नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर सिक्स द एंड एंड द क्रिकेट सो ये जो है ये पोइम है जो कि एसॉप्स फैबल से ली गई है एसॉप्स एक पर्सन का नाम है जो कि अपनी कहानियां लिखा करते थे मतलब एसॉप फैबल्स मीन्स होता है कि मॉरल स्टोरी जिसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं एनिमल्स होते हैं मेनली तो फैबल्स वो उतनी है एंड एसॉप्स फैबल जो है ये ये है एसॉप की लिखी हुई एक फैबल सो so, स्टार्ट करते हैं यंग क्रिकेट अकस्टम टू सिंग थ्रो द सानी मंथ ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग तो एक सिली यंग क्रिकेट था क्रिकेट उसका नाम रख दिया था सिली एकदम बेवकूफ क्रिकेट था यंग क्रिकेट जिसे गाना गाना बहुत पसंद थ्रू द वॉम यानी कि कब गाता था Warm, सनी months, गे समर एकदम शाइन समर एंड स्प्रिंग उसे बड़ा मजा आता था इतनी सुंदर समर में जहाँ कोई चिंता नहीं है धूप है और हवा चल रही है बड़ा अच्छा मौसम है तो उसका जो फेवरेट काम था वो था गाना गाना उस टाइम में बिगिन टू कंप्लेन वेन ही फाउंड दैट एट होम तो उसने पूरा समर ये पूरे थ्रू आउट समर Spring, पूरा टाइम जो है वो गाने गाने में निकाल दिया एंड ही स्टार्टेड टू कंप्लेन यानी कि अब उसने कंप्लेन करना स्टार्ट कर दिया अब उसने कहा ओ शेट अब क्या हुआ अब मैंने टाइम निकाल दिया और अब क्या है अब विंटर स्टार्ट हो जाएंगे तो उसने कंप्लेन स्टार्ट की जब उसने देखा एट होम उसके घर पे कबर्ड वॉज हिमपिटी यानी कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है एंड विंटर वॉज कम और क्या हुआ था विंटर्स आ गए थे तो अब उसके पास कुछ नहीं बचा था अब उसे क्या हो रहा था होता है ना कि जब एग्ज़ाम आते हैं तो एग्ज़ाम में आ, अब कुछ बच्चे होते हैं जो समर से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन कुछ होते हैं जो एंड मोड पे जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं विंटर्स में एक दो महीने पहले एग्जाम से वो कॉपी उठाते हैं एंड जब वो सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं देखते हैं तो वो कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं कि शिट काश हमने शुरू से पढ़ लिया होता आप कैसे कवर होगा उन्हें टेंशन शुरू हो जाती है तो इसी कुछ इसी तरीके की टेंशन इस क्रिकेट को स्टार्ट हो गई थी नोट अ क्रम्प टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड नॉट अ फ्लार कुन नॉट अली फॉन अ ट्री यानी कि क्रम क्रम मतलब होता है यानी कि एक जो ब्रेड है ब्रेड का टुकड़ा ठीक है एक छोटा सा टुकड़ा यानी कि एक क्रम भी नहीं है एक फ्रेगमेंट भी नहीं है ब्रेड का स्नो ग्राउंड पे क्या है स्नो स्नो है यानी कि घास वगैरह भी नहीं है जो वो बेचारा खा सके नॉट नोटा फ्लावर को ढीसी यानी कि एक भी फ्लावर नहीं दिख रहा उसे एंड नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री और ना ही एक ट्री पर कोई लीफ है जहां पर वो अपना शेल्टर बना सके ओह वॉट विल बिकम सेज दर्केट ऑफ मी तो वो कहता है ओह माई गॉड अब मेरा क्या होगा एट लास्ट बाय स्टारेशन एंड फेमाइन एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड यानी कि अब क्या होगा अब जो है मैं स्टारवेशन अकाल पड़ गया पूरा भूख के मारे मर जाऊंगा मैं तो अगर यही रहा तो ऑल ट्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेमलिंग विद कोल्ड यानी कि अब क्या हो रहा था कि जब स्नो पड़ रही थी तो वो स्नो उसके ऊपर आ रही थी और उसकी बॉडी पर वो पिघल रही थी स्नो तो वो पूरा गीला हो गया था स्नो की वजह से ट्रिबलिंग विद कोल्ड और ठंड से कांप रहा था बहुत ज्यादा क्योंकि उसके पास शेल्टर भी नहीं था उसने पूरा टाइम जो है गाना गाने में निकाल दिया सेट ऑफ द माइजरली आंट और उसके थोड़ी दूर पास थोड़ी दूर पर ही जो है माइजरली यानी कि कंजूस कंजूस वर्ड यूज किया गया है आंट के लिए तो माइजरली आंट रहती थी उन्होंने अपना शेल्टर उन्होंने क्या किया मेहनत की पूरी गर्मियों में उन्होंने मेहनत की लेकिन ये जो ग्रास ऊपर है इसने क्या किया गाना गाया टू सी एफ टू कीप एम अलाइव ही वुड ग्रांड तो वो, वो देखता है उस टू तो ही कीप हेम अलाइव यानी कि जिंदा रहने के लिए उनसे क्या करेगा थोड़ा सा चीजें लेने की सोच रहा था वो हिम शेल्टर फ्रॉम रेन हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन ही repeat. ओनली तो टू कहता है कि मैं उनसे क्या करूँगा उनसे कहूंगा काश वो मुझे दे दें थोड़ा सा शेल्टर दे दें बारिश में ना भीगूं मैं मुझे थोड़ा सा खाना दे दें और ये जो जो चीजें हैं ये मैं उन्हें बोरो कर और उन्हें लौटा दूंगा नेक्स्ट टाइम इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सोरो और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो मर जाएगा भूख से और दुखी होकर से द आंट टू द क्रिकेट तो आंट जो हैं वो कहती हैं क्रिकेट से आम योर सोवेंट इन फ्रेंड तो आंट ने जब ये सुना इसने जाके बोला आंट से कि थोड़ा थोड़ा दे दो मैं आपको लटा दूंगा नेक्स्ट टाइम में तो आंट ने बोला कि आम योर सोवेंट इन फ्रेंड यानी कि मैं मैं तुम्हारी तुम्हारे लिए ही हूँ मैं यहाँ पर और मैं तुम्हारी ही दोस्त हूँ तुम चिंता मत करो हम लोग पड़ोसी हैं इंसेक्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं तो मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ पर हूं तुम बिल्कुल टेंशन मत लो बट लेंड ले तो वो कहती है ना तो हम लेते हैं लेकिन हमारा ये उसूल है भाई ना तो हम लेते हैं और ना हम देते हैं हम ऐसा नहीं करते हैं बट टेल मी डियर क्रिकेट डिड यू ले नथिंग बाय वेन द वेदर वॉज फॉर्म लेकिन वो कहती है कि एक बात बताओ क्रिकेट uh, कि जब मौसम गर्म था तब तुमने कुछ भी नहीं किया मतलब कुछ भी ना तो खाने के लिए लिया ना तुमने अपना शेल्टर बनाया द क्रिकेट नॉट तो क्रिकेट क्या कहता है नॉट एट माई हर्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट वो कहता है कि मेरा जो हर्ट है वो बहुत लाइट है और इसीलिए मैं सुबह शाम गाना गाता रहता था ऑल नेचर लुक्ट के और पूरा जो नेचर है वो मुझे बड़ा सुंदर लगता था देखने में बड़ा ही सुंदर था नजारा यू सेंग सर यू से और यू सेंग सू से वो कहती थी कि मैं गाता था यू सेंग सू से गो देन सेदान तो वो कहता था वो कहता था कि मैं सारा नेचर देखकर मुझे इतना सुंदर लगता था मैं खुश होके गाना गाता था एंड तुमने भी सुना ही होगा मेरा गाना एंड गोदैन तो वो कहती है आन, go then. And dance the winter way. तो अब तुम गर्मियों में तुमने गाना गाया विंटर्स में तुम डांस कर लो दस एंडिंग ही लिफ्ट द विकेट एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पोअर लिटल क्रिकेट तो इस तरीके से एंड होता है इस स्टोरी का स्पोग का एंड uh, वो क्या करती हैं वो उसे उठा के क्रिकेट को जो है हर, बाहर निकाल के और अपना डोर जो है वो क्लोज कर लेती हैं फोक कॉल दिस अ फेबल आई विल वैरेंट इट ट्रू तो ये जो है फोक कॉल दिस फेबल इस फेबल को कहा गया है आई विल वैरेंट इट ट्रू ये ट्रू है सम क्रिकेट हैव फोर लेग एंड सम हैव टू यानी कि तो ये उन लोगों के लिए भी है जो क्रिकेट हैं जो फोर लेग्ड हैं उनके लिए तो है ही साथ में ये उन लोगों के लिए भी है जो क्रिकेट हैं टू लेग्ड यानि कि टू लेग क्रिकेट की बात की गई है यानी कि हम लोग ह्यूमन बींग्स यानि कि हम क्या करते हैं जब टाइम होता है तो उसे वेस्ट करते हैं सिमिलर टू द क्रिकेट क्रिकेट की तरह ही हम उस टाइम को वेस्ट कर देते हैं और फिर जब टाइम गुजर जाता है तब हम क्या करते हैं रोते हैं परेशान होते हैं फिर जब सिचुएशन आ जाती है तो उसे फेस करना मुश्किल हो जाता है ना तो एग्जाम की जो प्रिपरेशन होती है ये भी एक एग्जाम्पल एक है कि एग्जाम की प्रिपरेशन थोड़ी थोड़ी करके शुरुआत से करनी चाहिए एंड मोड पर जब करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं सो so, ये एस ऑफ फैबल से ली गई है ये जो पोएम है बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर द आंस इज गो दैन एंड डांस द विंटर अवे वैंड डज ही से इट एंड वाई तो ये उन्होंने जो है उसे टोंट मारा था उसे बहुत हार्सटली मजाक में बोला था कि अगर तुमने आप विंटर्स में समर्स में गाना गाया तो तुम एक काम करो विंटर्स में डांस कर लो जाके द आंट टेल द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे डू यू थिंक द वर्ड डांस इज अप्रोप्रिएट हेयर इफ सो वाई सो येस डांस इज अप्रोप्रिएट वर्ड बिकॉज एक अपोजिट हो गया कि गाना एंड सिंगिंग एंड डांसिंग राइट तो इफ दे सिंग इन द समर सो कैन डांस इन द विंटर अपोजिट मौसम है एंड अपोजिट चीज़ें हैं तो आई थिंक दिस वर्ड इज़ एप्रोप्रिएट टू देंटेंस स द तो पोईट कमेंट तो पोइट का कमेंट किस लाइन में बन हो रहा है बताओ बच्चों लास्ट लाइन सम क्रिकेट है दो तरीके के हैं कुछ क्रिकेट जिनकी फोर लेग होती है जो एंड मोड पे सारे काम करते हैं एंड कुछ क्रिकेट ऐसे होते हैं जिनकी टू लेग्स होती है उनका कंपेरिजन इन फोर लेग क्रिकेट से किया जा रहा है लाइक ह्यूमन बींग्स राइट द कमेंट इन योर ओन वर्ड्स सो कमेंट लिखना है आपको इन योर ओन वर्ड्स टिक द करेट ओ वॉट विल बिकम ऑफ मी से क्रिकेट द आंस टू द क्रिकेट डैट इट इज हिज सर्वेंट एंड फ्रेंड यानी कि बहुत सॉफ्टली है मतलब बहुत काइंड हार्टेड है आंट लेकिन वो किसी से ना उधार देती है ना उधार लेते हैं ये उनका उसूल है True, false. A silly young cricket began to complain to the aunt. No, he was complaining to himself. False. The aunt says to the cricket that it is his servant only, no servant, and friend. False. This poem about an aunt and the cricket contains an idea of far-reaching significance. So students this is all about this poem I hope you enjoy this poem thank you so much